बाबा आज गुड़िया ने पूरा बाजार खाली किया है। मैं आपको बता रही हूँ, राफिया आंटी बोल रही थी ये ले लो ये ले लो, मना भी नहीं, मतलब बंदा तमीज से बोल देता है नहीं नहीं आंटी नो थैंक यू, लेकिन नहीं सब कुछ खरीदे जा रही है खरीदे जा रही है। फुफू पर गई अपनी। बाबा आप पिंकी की बातों पे हंस रहे हैं और गना आंटी आप भी। बाबा लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। कैसी? यही कि ऊपर ऊपर से रोती हैं कि इनकी शादी होने वाली है, अंदर से खुश होती हैं कि पढ़ाई से जान छुटी। शारिक तुम्हारे दिमाग में ना ऐसी ही बातें आ सकती है, तुम्हारी इतनी ऑब्जर्वेशन कब से हो गई भला लड़कियों के बारे में? भाई तीन बहनों का भाई हूँ, ऑब्जर्वेशन तो होगी ना। मैं ना आप सबसे खफा हूँ, मुझे किससे बात ही नहीं करती। तुम दोनों क्यों तंग कर रहे हो बहन को? उसकी शादी है, वो क्यों शॉपिंग नहीं करेगी? बल्कि मैं खुद लेके जाऊंगी इसे शॉपिंग पे। और तुम सब की भी शॉपिंग रहती है ना, तो फिर बहन को तंग नहीं करो। गना बहन मेरी बेटी गुड़िया की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, सारे काम आस्ता आस्ता निपटा लीजिएगा। अगर राहिला बहन और लारेब की जरूरत हो तो उनको भी बोल दीजिएगा। शफक तो मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते पहले ही आ जाएगी। हाँ जेवर आप लोगों ने डन करना है और फर्नीचर के लिए मैंने बोल दिया। आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बाबा आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, हम दोनों हैं ना, हम मदद करेंगे कनाज। हाँ हाँ हम करा बाबा मैं भी। और हाँ राहिला बहन की तमाम बच्चियों की शॉपिंग भी आप लोगों ने करनी है। आप इत्मीनान रखिए सब कुछ हो जाएगा।